क्या मकसद बनता है जब आपके पास आपके अकाउंट होल्डर आ रहे हैं, उन्हें कोई कंप्लेन है, कोई जिम्मेदार शख्स आके बात क्यों नहीं कर रहा? या गलत नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं की उन्होंने, इधर आ जाए बात क्यों नहीं कर रहे? हम क्या, हम मुजाकरात ही कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं क्या? क्या आपकी पॉलिसी ऐसी है कि कोई भी बंदा आके अकाउंट खुलवाता है, उसमें पैसे डालता है, कोई भी बंदा निकलवा जाए, ऐसा मुमकिन है? अगर ये हुआ तो इसकी गफलत हुई, हमारी गफलत है, अकाउंट होल्डर की गफलत है, इसकी गफलत है, गफलत से ये वाला मामला हुआ है। वो डी सीट हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करने दिया जा रहा उनकी। अच्छा। मतलब और जो हमारा सालाना इंक्रीमेंट बोनस वगैरह होता है, कोई चीज नहीं मिलती उनको। अच्छा। ठीक है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिट की टीम आई हुई है, सारा कुछ कर रही है, मतलब काम कर रही है, मतलब इस हवाले से उनको डी सीट किया हुआ है। ऑपरेशन मैनेजर था वो, कोई नहीं, बस जस्ट बैठा हुआ है, आता है हाजिरी 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 लगाता है, बैठ जाता है। ठीक है, कैशियर भी ऐसे ही है, वो आता है हाजिरी लगाता है, सिर्फ बैठे। ये हमारा जो एहतजाज है वो अंजमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग प्रेस क्लब का, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरे साथ चेयरमैन है, बाकी भी ओहदेदारान हमारे साथ हैं। हमारे ताजरों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, एमसीबी बैंक वालों ने। हमारे एक ताजर दुकानदार ने इनके पास अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद चेकबुक उन्होंने इशू की, इशू करने के बाद चेकबुक इन्होंने किसी और के नाम, किसी और को दे दी। आपस के अंदर बैंक का इसमें अमला शामिल है, जिसमें मैनेजर भी शामिल है, जिसमें इनका टी बार वाला भी शामिल है। बैंक की मिली भगत से इन्होंने चेकबुक हमारे बंदे की निकाली, ली, लेने के बाद उसमें से 7.5 से 8 लाख रुपया इन्होंने निकाल लिया। निकालने के बाद बैंक में से हम जब इनके पास जाते हैं कि भाई चेकबुक तो हमने ली नहीं आपसे, हमारे पैसे कैसे निकल गए, वो कहने लगे जी हम इस पे आपकी जो ना तफ्तीश करेंगे, देखते हैं ये कैसे हुआ। जबकि ये बैंक का सारा अमला मिला हुआ है, मैनेजर तक मिला हुआ है, सब लोगों ने पैसे खुर्द फुर्द आपस में किए हैं। इन्होंने 3 माह का अर्सा लगा दिया, बार बार लोग हमारे ताजर इनके पास जाते रहे, दरख्वास्तें देते रहे, अपील करते रहे, यहाँ तक कि हमारे पाँव के जूते घिस गए इनके पास जा जाके। इन्होंने लाखों रुपया इनके इनके सर के अंदर एक जू नहीं रेंगी कि हमारे पैसे हजम करके बैठे हुए हैं। ऐसे ये खबीस आदमी हैं कि हमारी बात सुनने के लिए नहीं तैयार। आज 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं ये लोग हमारे पैसे हजम करके बैठे और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अकाउंट होल्डर जब इनके पास जाता है, आगे से ये लोग कहते हैं क्या आप मैंगो लेने आए हो? हमें ये बात बताई जाए कि एमसीबी बैंक मैंगो बेचती है या लोगों के पैसे यहाँ पर महफूज करवा के रखती है। इन्होंने सब लोगों के साथ फ्रॉड किया है, हमारे साथ फ्रॉड किया है, पता नहीं कितने गरीब लोगों के साथ इन्होंने ये ज्यादते किए हैं, लाखों रुपये उनके खा गए हैं और खुरपुत कर गए हैं ये लोग। ये फ्रॉडिया बैंक एमसीबी, मैं लोगों को इसके लिए अपील करता हूँ, लोग इस बैंक से बचें, इस बैंक के खिलाफ आवाज उठाएं। ये इस बैंक ने पता नहीं कितने गरीब लोगों के साथ ज्यादती की है, ये तो आज हम ताजरों के साथ हुई है, पता नहीं कौन कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे किसी प्लेटफॉर्म पे आके किसी को बता नहीं सकते। सुख रखने वाले लोग हों या जिनकी पेमेंट, अब ये भाई की 10 लाख की अमाउंट थी हमारे मेंबर की, 10 लाख का मतलब ये है कि ये डेली की बुनियाद पे इससे 10 लाख रनिंग बिजनेस में लगाया हुआ था और 10,000 कम से कम डेली यहाँ से कमाते थे, और ये पेमेंट तकरीबन 4 माह से बाउंड पड़ी हुई है। तो आप ये खुद सोचें कि 10 लाख रुपये और रनिंग बिजनेस से जिस बंदे के एक बैंक में पड़े हों और वो बैंक दे ना रहा हो, तो उसने 10 लाख से कितना बिजनेस किया होगा और उस बंदे को कितना खसारा हो गया होगा। तकरीबन 5 से 7 लाख या इससे ज़ायद की जो अमाउंट है वो खसारे में जा चुके हैं, और जो यहाँ उन्हें जलालत उठानी पड़ी मुसलसल चक्कर लगा के, वो एक तरफ है। तो मेरी हुकाम बाला जो हैं वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, स्टेट बैंक से और जो एमसीबी के ऑनर हैं उनसे, इन तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए, और ताजरों के पे जो मुसलसल ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, यहाँ उनके पैसे फुर्द फुर्द किए जा रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं किस इस्तेमाल में लिया जा रहा है, तो इसकी जो है इंक्वायरी की जाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल फारिग किया जाए। और ये बैंक से लोग जो देखने वाले लोग हैं इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एमसीबी जो बैंक है वो फ्रॉडिया बैंक है, आप इस बैंक से मुहतात रहें। आज हमारे एक साथी के 10 लाख रुपये इस अकाउंट में पड़े हुए थे, उसने कोई 4 माह चक्कर लगाएँ, और आज हम इस नौबत पे आ चुके हैं कि हम रोड़ों पे निकल आएँ। इसी तरह ये एहतजाज का सिलसिला हम बाकी तहसीलों में भी देंगे, बाकी मकामात पे भी देंगे, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस फ्रॉडिया बैंक से मुहतात रहें, और अपने अकाउंट जो हैं अगर आपकी अकाउंट में रकम मौजूद हैं इस बैंक में तो फौरी निकलवाएं, अपने अकाउंट बंद करवाएं, और इस बैंक से जो है बायकॉट करें कि ये लोगों के पैसे हड़प कर रहा है और लोगों के साथ मुसलसल